बाजरे का ढोडा, मक्का बाजरे की रोटी होती है उसको ढोडा बोलते हैं। ये बाजरे का ढोडा और छाछ पिला, जितने दिमाग को बुखार है खांसी है जुकाम है, तो बाजरे की रोटी बनाएंगे उससे मैं यदि में बहुत गरीब। तो जब ले करके गई एक बहन एक छाछ की बाल्टी और बाजरे की रोटियाँ मोटी मोटी बनाई, तो मैंने बोली मरना है क्या, एक तो हम पहले बीमार पड़े हैं, हमको बाजरे की रोटी और छाछ पे नहीं जा रही है, मरना थोड़ी। उनको ये याद आया कि घर में होते तो कम से कम डॉक्टर की दवाई दिलाते, फल फ्रूट खाने को मिलता, ये तो मारने की बात है। दादी जानकी बोली जब मेरे पास आए तो मैंने कहा ओहो वैद्यराज ने औषधि भेजी। दादी जानकी बोली वैद्यराज ने औषधि भेजी, और वो भी बुखार में थी, तो उन्होंने थोड़ा खाया और वो दो दो चार्ज किया, वो ठीक हो गई, उसका बुखार और जुकाम वगैरह सब ठीक हो गया। दादी जी ऐसे अपने अनुभव सुनाती थी। तो ये परमात्मा का जो रथ है भगवान का, देखो ना कितने कमाल है। आप लोग हमसे मिलने आते हैं, हम आपके घर में मिलने जाते, ये उसी की तो कमाल है। उसने कितना कुनबा सारा इकट्ठा कर लिया, जो उसके बच्चे थे कैसे इकट्ठे हो गए। तो अरे हाँ, हमारा लिए ये हुआ कि हम टाइफाइड हो गया था, तो उसमें हम नहाते थे रोज़, तो हमारी टांगें रह गई बिल्कुल, हम चल नहीं सकते थे। मई जून में भी हम हर समय कंबल लपेटे रहते थे, चल नहीं सकते थे। तो दिल्ली से हमारे भाई आए, वो हमको किसी तरह से टैक्सी वैक्सी करके दिल्ली ले गए। तो मधुबन में, पांडव भवन में, मधुबन में बड़े भाई साहब तिवारी जी गए हुए थे। तो बाबा ने पूछा, बाबा हम शिव बाबा को कहते हैं, जो उनकी पद्रमणी होती है दादी जी गुलजार दादी के तन में। बाबा ने पूछा बच्ची कहाँ है मेरे लिए। तो भाई साहब बोले, तिवारी जी बोले कि वो तो दिल्ली में है, उसकी टांगें बेकार हो गई हैं, उसका भाई ले गया उसको दिखाने के लिए। तो उन्होंने ये काम उठाया बाबा ने और उनको दिया कि ये बच्ची को दे देना। भाई साहब बोले उसी दिन मैं गया था माउंट आबू में, अब बताओ ये आम लेके मैं दिल्ली में कहाँ जाऊँ, बड़ा मुश्किल हो गया, अब दिल्ली में कैसे पहुँचाया जाए। अब वो आम लेके भाई साहब चल दिए बाहर, देखा कोई मिले तो। एक कैलाश बहन थी, वो कहे भाई साहब बहन जी कहाँ हैं, मैं दिल्ली जा रही हूँ, कहा ये आम ले जाओ उसको बहन जी को दे देना जा। अच्छा हम बिल्कुल नहीं चल सकते थे, हम एक दो आदमी पकड़ के हमको बाथरूम तक ले जाते थे और पकड़ करके हमको नलाना दुलाना, दो आदमी मेरे को बिल्कुल टांगें ऐसी हो गई थी नहीं चल सकते थे। तो वो कैलाश बहन थी दिल्ली की, वो आई कि ये आम बाबा ने दिया आपको, शिव बाबा ने दिया। तो मैंने कहा लाओ भाई चक्कू लाओ सबको खिलाओ, बाबा ने भेजा। बोली नहीं नहीं इसको कोई नहीं छुएगा, ये केवल आपको ही खाना। मैंने कहा सारा आम हमें खाना, कहती हाँ सब आप हम। तो वो बैठ गई सामने, कहती ये इसको कोई नहीं खाएगा, केवल आपको ही खाना। तो ये आम मैंने खा लिया, हम आपको क्या बताएं कि 10-10, 15-15 डॉक्टर मेरे को देखने आते थे, टांगे मेरी बिल्कुल सीधी नहीं होती थी, हम चल के खड़े होकर के चल नहीं सकते थे। वो उसने बैठ के सारा आम मेरे को खिलाया कि ये आप ही को खाना, बाबा ने कहा बच्ची को पहुंचाना किसी तरह। ऐसा साधन बन गया वो आम आया, और हमने उस बहन ने कैलाश बहन ने मेरे को आम खिलाया। और हम आपको क्या बताएं, कोई सुनेगा तो सच नहीं मानेगा। रात को शाम को, रात को इतने टाइम मैंने आम खाया, और सवेरे मैं उठ करके बाथरूम चली गई, नहाने चली गई, कहाँ जा रही कहाँ जा रही। मैंने कहा मेरी टांगों में कोई तकलीफ ही नहीं है, टांगें बिल्कुल ठीक है।
ऐसा अचंभा कि मैं अकेले गई और जाके नहा धो के अपने कपड़े पहन करके मैं आ गई बाबा। वो एक सेकंड के अंदर वो सारा रोग पता नहीं कहाँ चला गया, वो टांगे मेरी सीख हो गई और सारा दर्द खत्म हो गया। मानो ये एक ऐसे दो चार अचंभे हुए हैं, बड़े हुए हैं। और दिल्ली में भाई हमारे कितने डॉक्टर लेके आए, कहाँ से तेल लाए, कहीं से बबूते लाए, कहीं से कुछ लाए, लेकिन वो परमात्मा के दिया हुआ एक आम खाने से एक सेकंड के अंदर जीवन का परिवर्तन हो गया। ऐसे तो हमारे जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं और इन अनुभवों को हमने बहुत भाई बहनों के साथ शेयर किया है, में बिहार में, बंगाल में, यूपी में। यूपी में हम आए तो हमको किसी ने जाने नहीं दिया वापस। तो ये भी हम किस्सा सुना रहे थे, बहुत बड़ा, शायद पता नहीं आप उस समय कितने बड़े रहे होंगे, जहाँ पड़कांड जो हुआ था आपको पता है भैया? नहीं भाई जी। हाँ, वो साकार बाबा के समय जब भाई साहब को लेके आप गए थे गाड़ी में, हमको तो वो गरीब हो गए थे, क्या जो है चैन हो गए थे, मैं किधर को घूमने गए। हाँ ये भी खैर मैं भूल जाती हूँ ना। वो बाबा की बातें देखो, वो घड़ी, हाँ नहीं, बाबा बैठे थे, सर्दी के दिन थे, नवंबर दिसंबर का महीना था, बैठे थे ओढ़ करके बैठे थे। तो ये युगल आर सी तिवारी लेक्चरर थे, इनको मैं लेके गई थी पति पत्नी को। तो बाबा बैठे थे, मेरे से बोले बच्ची जाओ जरा नक्की लेके बच्चों को घुमा के ले आओ। मैंने कहा बाबा बहुत ठंड है बाहर, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर जाने का टाइम नहीं है। बाबा बच्ची तेरे को सर्दी लगती है? अच्छा जा, नहीं जाती ना जा, मैं जाता हूँ। तो उठ के खड़े हो गए। अरे मैंने कहा बैठो बैठो बाबा बैठो, आप साकार बाबा की बात मैं बता रही हूँ। मैंने कहा आप बैठो, अच्छा मैं जा रही हूँ। तो मैं गई घुमाने के लिए। तो घूम के जब लौट के आ रहे थे तो उनकी घड़ी कहीं गिर गई होगी रास्ते में, घड़ी हाथ में बांधी थी बहन जी की, घड़ी गिर गई। तो भाई साहब बोले, भैया बोले कि बहन जी जिक्र ना करना, घड़ी खो गई तो खो गई, गिर गई तो अच्छा हुआ, अब जिक्र ना करना, ये वातावरण ना बने कि किसी की चीज़ कोई खो गई, बात नहीं करना। मैंने कहा अच्छा। बाबा की मुरली में उस दिन था कि कभी किसी चीज़ को छिपाना नहीं, झूठ नहीं बोलना, किसी की बात को नहीं छुपाना। बाबा की मुरली उस दिन ऐसी चली। तो जब एक चैम्बर होता था, जब क्लास ख़त्म होता था तो बाबा आते थे, उनके साथ खास खास दो तीन बच्चे बाबा के पीछे पीछे आ जाते थे, साकार बाबा के। बाबा जैसे आ रहे थे पीछे पीछे हम भी आ गए, आकर के चैम्बर में बाबा बैठ गए अपनी गद्दी पर। तो मेरे को आदेश था कि बताना नहीं घड़ी कल खो गई। तो मैंने कहा छुपाना तो नहीं चाहिए, बाबा ने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए कोई बात। तो मैंने कहा बाबा, भले उन्होंने मुझे मना किया बताना नहीं किसी को, मैंने कहा बाबा आज इसकी बहन की घड़ी गिर गई कल रात को। कहाँ घड़ी गिर गई? लच्छू लेके आओ घड़ी, और लेके आओ उनको घड़ी दो एक पहनाओ। कहा नहीं बाबा घड़ी नहीं पहनेंगे। अच्छा कुर्ते का कपड़ा लेके आओ नया, अच्छा दिया जाए। भाई साहब बोले नहीं बाबा, हम तो जो आपने कुर्ता पहन रखा ये हम पहनेंगे, हम नया नहीं पहनेंगे। तो परमात्मा की कितनी हेल्प रही, कितनी मदद रही, देखा। मैंने कहा बाबा मैं सिलाई जानती हूँ, मैं कटिंग सिलाई सिखाऊंगी सबको, आप बुला लो सबको, मैं मशीन का सारा काम जानती हूँ, कढ़ाई सिलाई सब जानती हूँ। बाबा बोले बच्ची तेरे से ये काम थोड़ी बाबा लेगा, तेरे से कोई और बड़ा काम लेगा, ये काम तुम थोड़ी करेंगे। यानी रोटी विभाग में मेरे को देखा, मैं रोटियाँ बना रही थी तो बाबा कहते बच्ची तेरा रोटी बनाने का काम नहीं है, चलो तुम, तेरे से बाबा को और काम लेना है, रोटी थोड़ी तेरे से बनवानी। तो अब हम तो जानते हैं, हम तो किसी काम के नहीं थे,
ना कोई ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना इतने समझदार थे, लेकिन भगवान को क्या देखो कहाँ तक आप लोगों के बीच में आकर के पहुँचा दिया। ये किसकी करामात है, ये किसकी करामात है मिश्रा जी? ये कोई ऊपर वाले का प्लान, उसकी भी अपनी प्लानिंग है, उसकी भी कारोबार चलती है। बाबा ने आपको भी खींच लिया, देखो आज काले आए थे अब सफ़ेद हो गए, देखो कमाल है। काले आए थे सफ़ेद हो गए, देखो कमाल है। बैज भी लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, अभी हम हमारे लौकिक पिताजी इंजीनियर थे, बिल्डिंग वर्क, सरकारी काम भी और प्राइवेट सब करते थे। तो एक दिन आए सर्विस से आए, तो मैंने अपने फादर से कहा, बाबा जी आपको गवर्नमेंट कितनी तनख्वाह देती है? भगवान को एक इंजीनियर की जरूरत। बाबा ने कहा मेरे को एक इंजीनियर चाहिए। तो मैंने अपने फादर से दिल्ली में कहा कि आप कितनी तनख्वाह पाते हो? अरे भगवान को ज़रूरत है इंजीनियर की, आप जाके कुछ हेल्प करो। तो बाबा जी दूसरे दिन गए, जाके नौकरी में इस्तीफा दे आए। ऐसा होता नहीं, ऐसा हो सकता है आप लोगों को? हो सकता है ऐसा? तुरंत इस्तीफा दे के आ गए नौकरी को, और रात्रि की 9 बजे की ट्रेन से मैंने उनको दिल्ली स्टेशन से रवाना किया और वहाँ पहुँच गए। हिस्ट्री हॉल जो बनाया हुआ है ना, वो बाबा जी के हाथ का ही सारा बना हुआ है, और जो शांति स्तंभ के पीछे के सारे रूम्स हैं, सारे नीचे ऊपर सब उन्होंने बनवाए थे। तो कहते थे दिल वाला मंदिर है वहाँ प्रसिद्ध, वहाँ लोग देखने के लिए जाते हैं। बाबा बोले बच्चे जाओ दिल वाला मंदिर देखे। बाबा जी बोले मेरा दिल वाला तो मेरे सामने खड़ा हुआ, मैं वो पत्थर की मूर्तियाँ थोड़ी देखूँगा, मेरे को बाबा मिल गए, मेरे को और क्या चाहिए। यज्ञ के अंदर उस समय 5-6 थालियाँ थी। हम लोग जाते थे तो अपनी थाली कटोरी गिलास लेकर के जाते थे, नहाने की बाल्टी भी लेकर के जाते थे, कि वहाँ बाल्टी भी नहीं थी कोई एक्स्ट्रा, खाने के लिए बर्तन नहीं थे। आज जाओ तो देखो लाखों थालियाँ वहाँ बड़ी हैं। यज्ञ कहाँ पहुँच गया, कितनी गरीबी के अंदर भी। तो वो तो आपने बात बताई नहीं, बोल रहे कौन सी? अरे बरामदा बनना चाहिए, बाबा के पास मामला गया। मैं भूल जाती हूँ, मैं ये सब बोल। रविदत्त इलाहाबाद वाले ठेकेदारी करते थे, हमारे लौकिक पिताजी इंजीनियर थे। हिस्ट्री हॉल बनना था, उस बनाने में दोनों में झगड़ा हो गया। वो कहे इतना बनेगा, वो कहेंगे बरांडा छोड़ो इधर फुलवाड़ी बनाओ, और वो रविदत्त कहते थे कि पूरा हॉल बनना चाहिए, फुल जितनी जगह। झगड़ा हो गया, मिस्त्री बैठे काम नहीं हो रहा, तो बाबा को बुलाया गया। बाबा क्या फैसला देता है, बुलाओ। बाबा को बुलाया गया तो रविदत्त बोले पूरा हॉल बनेगा, पूरा जितनी जगह सारी जमीन में। हमारे लौकिक पिताजी बोले नहीं, हॉल भी बनेगा, बरांडा भी बनेगा, और बाद में बरांडे के बाद फुलवाड़ी भी बनेगी। गए, फैसला गया, बाबा क्या फैसला देते हैं। तो बाबा चुपचाप खड़े थे। हमारे लौकिक पिताजी बोले बाबा देखो जब आप क्लास में आओगे तो छत चाहिए, पानी बरसेगा आप आओगे, चप्पल कहाँ खोलोगे, हॉल के बाहर बरांडा भी चाहिए, बरांडे के बाद फुलवाड़ी भी चाहिए, आप आओगे फूलों को देखोगे, फिर फूलों पर क्लास कराते हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो बाबा, जो लोग आएगी पब्लिक चप्पल कहाँ खोलेगी, चप्पल डालने के लिए बरांडा चाहिए। तो वहाँ फिर थोड़ा रविदत्त को दिक्कत हुई, बाबा ने उनकी बात मान ली। बच्चा जो कहता है ना उस काम को जरूर करो।
उस समय हम लोग माउंट आबू जाते तो टेंट लगाए जाते थे, हम लोग टेंटों के अंदर रहते थे, अपनी थाली कटोरी गिलास बाल्टी नहाने की भी लेके जाते थे। लोग कहते थे आपके यहाँ रिवाज है कि बाल्टी लेके जाने का, हम लोग बाल्टी वहाँ है ही नहीं, जाएंगे अपने बाल्टी से पानी भरेंगे नहाएंगे, लोटा भी लेके मग्गा भी लेके जाएंगे। तो यज्ञ के अंदर इतनी गरीबी थी उस समय, बाजरे का रोटी बन के इतना इतना टुकड़ा मिलता था। तो कहते थे जितने बीमार हैं उनको सब बाजरे का ढोडा खिलाओ, ऊपर ऑलमेटी भगवान ने ईश्वर ने दवाई भेजी है। दादी जानकी बोली ओ वैद्यराज ने दवाई भेजी, लाओ मुझे दे मैं खाऊं। तो उन्होंने बाजरे की रोटी खाई और छाछ पिया, वो ठीक हो गई। और कुछ कहते थे अरे घर में होते तो कम से कम माँ बाप डॉक्टर को दिखाते, दवाई दिलाते और हमें अच्छा खाने को कुछ फल फ्रूट मिलता, यहाँ तो ये लोग और मार डालेंगे। तो निश्चय बुद्धि कितना विजयंती बनते हैं, जिन्होंने बीमारी के अंदर भी बाजरे की रोटी का टुकड़ा खाया और छाछ पी ली वो ठीक हो गए, और जिन्होंने सोचा कि डॉक्टर को दिखाने को मिले, दवाई मिले, फल फ्रूट मिले, वो सब बीमार हो गए और ज़्यादा बीमार हो गए। तो निश्चय बुद्धि कितने विजयंती होते हैं हमने देखा। समस्याएं परीक्षाएं बहुत आई हम सब लग के आगे। एक दिल्ली में मनोहर लाल वकील थे, वो हमारा भी केस कोर्ट में गया था, हम भी गए थे। तो अब बात तो हंसी की है, कहा क्या भाई मामला क्या है आपका? तो कहा ये मेरी औरत बन के नहीं है, अब मेरी औरत नहीं है बन के रहती। तो जज बोला तुम औरत बन के नहीं रहती? मैंने कहा जज साहब मैं आपको आदमी दिखाई देती हूँ क्या? औरत तो मैं हुई हूँ, आप जजमेंट देते हो। आपको यहाँ देखो गांधी जी कस्तूरबा का फोटो लगा रखा है, आपको अपना फोटो लगाना चाहिए क्योंकि जजमेंट आप देते हो, फैसले आप करते हो। ये गांधी जी का और कस्तूरबा का क्यों लगा रखा है? गांधी जी कस्तूरबा को बा कहते थे, माँ कहते थे। तो क्या ये पवित्र रिश्ता था? मैंने कहा जज साहब आप फैसला हमारा नहीं कर पाएंगे, आप छोड़ दीजिए, मैं उठ के बाहर आ गई, हम अपना फैसला खुद ही कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें अपने जीवन काल में आई, क्योंकि इस ईश्वरी पथ पर बढ़ने के लिए तमाम समस्याएं आती हैं, लोग समाज सब एंटी हो जाता है, लेकिन भगवान जिसको साथ देता है वो सारे सफलता के रास्ते बन जाते हैं। तो अकेले दम पर हमने कितना संघर्ष किया, यहाँ यूपी में भी जब आए अकेले ही हम बंडल बांध लेते थे। अभी किसी को कहो कि भाई बहन जी जाके सेवा करके आओ, कहेंगे कोई साथ तो है नहीं, मदद तो है नहीं। बंडल चित्रों का बांध लेते थे हम, और किसी भी बस में चढ़ जाते थे और जाके कहीं उतर जाते थे, और जाके कहते थे कि भाई कोई जगह बताओ तो हम ये आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए आए हैं। तो लोग मार्केट में हमीरपुर में मैं गई तो अपने आप लोगों ने इंतजाम कर दिया, ये 12-13 जिलों में जाके भैया मैंने अकेले, ये मेरे साथ जो बहनें आपको दिखाई दी थी ये कोई भी नहीं थी, मैं अकेली थी उस समय। ये भी बहन MSc करके आई थी, ये बाद में पैदा हुई। हर डिस्ट्रिक्ट में फतेहपुर बिंदकी शिकवाबाद और हमीरपुर भरुआ ये सब अकेले में चली जाती थी। अब आपको अगर कहीं भेजें तो कहेंगे मेरे साथ तो कोई है नहीं बहन जी। उस समय ऐसी धुन थी और जहाँ जाते थे जो कार्य करते थे सफलता मिलती थी। बांदा में गए, लोगों ने बताया एग्जीबिशन लगा रखी, अरे एग्जीबिशन लगाई तो DM को बुला के उद्घाटन करना चाहिए। कुछ नहीं किया, समझा रहे कोई आ ही नहीं रहा। तो मैं रात की गाड़ी से बांदा गई और DM के पास गई, मैंने कहा चलिए हमारी एग्जीबिशन लगी है उसको आप थोड़ा देख लीजिए। देखा उनको बहुत अच्छा लगा, कहने लगा अरे धर्मशाला में बहन जी ठहरी हुई हैं, बहनों को धर्मशाला में, अरे कोई मकान वकान देखो,
और मैं लिख करके नाम कर दूंगा। अरे पब्लिक डर गई, लोग हमें कोई किराए पर मकान ना दे, पब्लिक सारे लोग डर गए, इनको ब्रह्मा कुमारियों को मकान नहीं देना। लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छा कार्य हुआ, भगवान जिसका साथी है, ईश्वर ने जो हमारी मदद की, उसमें सब सहयोगी बन जाते हैं। वहाँ के DM, SP, सब जितने भी लोग हैं सब आए, बहुत खुश हुए। और उस समय हमारे पास उतना कोई इतना कुछ नहीं था, और सब लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से सहयोग दिया। DM आए, उनका कोई जूता ही पहन के चला गया, तो सब जगह बहुत। अब बड़ी लंबी, बचपन से छोटे थे, ऐसे ही थी हमारी उम्र, छोटे थे हम जब लग गए इस ईश्वरी कार्य में, लेकिन सफलता हमारा साथ देती रही।